नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। बिहार में 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। कार्तिकेय धनजी पथ परिवहन विभाग के सचिव बनाए गए। राजेश कुमार सिंह अपर सचिव बीपीएससी, रचना पाटिल के पास निदेशक संग्रहालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मिनेंद्र कुमार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सह प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम। राहुल कुमार विशेष सचिव वित्त विभाग, रंजिता निदेश समाजक कल्याण विभाग के बनाए गए। और आनंद शर्मा मुख्य महाप्रबंधक बिहार विकास निगम, गीता सिंह अपर सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नवीन कुमार सिंह अपर सचिव समाज कल्याण विभाग, इब्रार आलम अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अभिलाषा कुमारी शर्मा आयुक्त मनरेगा ग्रामीण कल्याण विभाग, कल्पना कुमारी अपर सचिव कृषि विभाग, नंदलाल आर्य बंदोबस्त पदाधिकारी नालंदा, रजनीश कुमार सिंह निबंधन महानिरीक्षक सह उत्पाद आयुक्त मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राकेश रंजन महाप्रबंधक और बेल्ट्रॉन राजेश कुमार बंदोबस्त पदाधिकारी पूर्णिया बनाए गए हैं। तो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। कुछ लोगों को अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला बिहार में हुआ है। कल्पना कुमारी अपर सचिव कृषि विभाग बनाई गई। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादले को लेकर बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। तो राजधानी पटना में प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार में आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि आयुक्त मनरेगा एवं ग्रामीण कल्याण विभाग बनाए गए हैं। अलग अलग नाम सामने आए। कुल मिलाकर 22 ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिनका तबादला किया गया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों को अतिरिक्त विभाग का प्रभार भी दिया गया। ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आई है। 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। आगामी कुछ दिनों में चुनाव भी हैं और ऐसे में इन बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का फिर बदल किया गया है। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बढ़ेंगे आगे। बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ की 6 किलो चरस जब्त हुई। भारत नेपाल सीमा पर चरस पकड़ी गई। 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। मटियारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बेतिया से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 1 करोड़ की 6 किलो चरस जब्त हुई है। भारत नेपाल सीमा पर ये चरस पकड़ी गई। 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। मटियरिया पुलिस की सख्त कार्रवाई देखी गई है। बेतिया से ये बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ की 6 किलो चरस जब्त हुई है। भारत नेपाल सीमा पर चरस को पकड़ा गया है। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया। और वहीं पटना में होटल मालिक के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना जंक्शन के पास शकील मलिक का होटल है। अपराधियों ने शकील मलिक को 5 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। बाइक सवार अपराधी शकील मलिक को गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने जांच की है। मौके से 5 खोखा भी मिला है। पीर बहोर और कदम कुआं पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। आज पिरभोर थाना अंतर्गत कुतुबद्दीन लेन में शकील मल्लिक नामक व्यक्ति को अपराध कर्मियों के द्वारा 5 गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। कुतुबद्दीन लेन में ही मोटरसाइकिल पर वे बैठे हुए थे, कहीं से आ रहे थे या कहीं जा रहे थे, और उसी क्रम में अपराध कर्मियों के द्वारा गोली चला करके उनकी हत्या कर दी गई है। और इसी बीच बेटा से बड़ी खबर। 2 दिन से लापता ग्रामीण डॉक्टर की हत्या हो गई। ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या की गई। ग्रामीण डॉक्टर रामबाबू यादव की हत्या हुई है। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर बेटा से आ रही है। डॉक्टर रामबाबू यादव की हत्या की खबर है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बेटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लापता ग्रामीण की खोजबीन में पुलिस जुटी थी और ईंट पत्थर से मिलकर निर्मम हत्या करने की खबर है। डॉक्टर रामबाबू यादव की हत्या को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। जिसने हत्या कर दिया है उसपे एफएससील की टीम को बुलाया गया है और इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन के तैयार करके इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। क्या मामला है, किसके द्वारा ऐसा किया गया, क्या हत्या कारण, क्या कुछ बताए अभी स्पष्ट नहीं है। हत्या का कारण कि मैं बेटा ऑटो पकड़ के घर जा रहा हूँ,
उसके बाद फिर इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। एक बार इनका मिस कॉल आया मेरे पास और फिर जब मैंने संपर्क करने की कोशिश किया तो इनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 3 मजदूरों की मौत हो गई। आतंकियों ने 3 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। सुरंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों पर हमला हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से जुड़ी हुई। सुरक्षा बल ने इलाके को लेकर पूरी तहकीकात की। आतंकियों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। मछुआरों पर फायरिंग, मछली मारने के विवाद में फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 मछुआरे जख्मी हो गए। गोली लगने से 2 मछुआरे के जख्मी होने की खबर है। 4 मछुआरे जख्मी। सीधवलिया थाना क्षेत्र के बागवार गांव की घटना है। स्थानीय मुखिया पर हमले का आरोप लग रहा है। संतोष कुमार सिंह उनके गुर्गों पर हमले का आरोप लग रहा। एसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। पालगंज में मछली मारने के विवाद को लेकर 2 लोगों को गोली मार दी गई है और 4 लोग मारपीट में घायल हैं। ये वारदात सिधवलिया थाना क्षेत्र के बागवार गांव में हुई है और घटना में शामिल जो लोग हैं वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन जो घायल है उन्हें इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। 2 लोगों को गोली लगी है जबकि 4 लोग मारपीट में घायल है। वहीं गोलीबारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि गोपालगंज के एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना ये बहुवार निजामत का है। वहाँ संतोष सिंह अपने पूरे लोगों के साथ आए और जान मारने के नियत से 2 आदमी पर हमला किए, गोली से हमला किए। ये विवाद सर विगत साल भर पहले से चल रहा है। घायल 6 लोग हैं। गोली लगा हुआ जैसे कि मच्छर उच्छर के अथी में लफड़ा हुआ है। हम लोग को भागने का मौका नहीं मिला है। वो गोली चलाया बस लग गया हम लोग का। कुंदन सिंह मछली मारने के विवाद में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिन 2 लोगों को गोली लगी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और अब उन्हें सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करने की तैयारी है। अब देखने वाली बात होगी गोपालगंज पुलिस इस हमले के मामले में कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत में बेलोर नदी में 3 बच्चियां डूब गई। डूबने से 2 बच्चियों की जान गई जबकि 1 बच्ची को लोगों ने बचा लिया। मृत बच्चियों के नाम मूर्ति कुमारी, नंदिनी कुमारी और गांव के बच्चे नदी पार कर स्कूल पढ़ने जाते हैं। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। बच्चियां नदी में डूब गई। हालांकि 1 बच्ची को निकालने की कोशिश सफल रही, उसे बाहर निकाल लिया गया। 6 लड़की सब पढ़ के आवत रहलौसन जमंगलापुर से, जैमे से 3 गो नदी हिलत लौसन, जैमे से 3 गो निकल गई लौसन और 3 गो डूबे लगलौसन। जैमे से जब उन लड़की निकल औसन वो हल्ला के लौसन तो ओकरा बाद उमे से 1 गो लड़की के गांव के लोग बचा ले लख आ 2 गो लड़की डूब गई असन। हमने गांव में 3 गो विद्यालय नहीं थे, पढ़े उड़े के लड़का सब के दिक्कत बा, तो इस हमने को ऊपर भेजे नहीं जा पढ़े के नदी हिला के आ पढ़ के आवत लौसन अपन 6 गो लड़का तो उसमें सब लोग डूबे लगला असन तो उसमें 3 गो बच्चा डूब गया असन। और सिवान के नौतन बाजार में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर नौतन थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने जय मां लक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में 2 बाइक पर सवार होकर 5 की संख्या में अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटकांड की घटना को अंजाम दिया, फरार हो गए। लूटकांड के बाद नौतन बाजार में दहशत का माहौल है। हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को बहुत बड़ी चुनौती दी है। सारण के DIG ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। 15 से 20 लाख के आभूषण की लूटपाट की बात कही गई। हालांकि पीड़ित दुकानदार ने 50 से 60 लाख रुपए की लूट की बात कही है। अभी आवश्यक जांच कर रही है। जो भी इसमें सस्पेक्ट्स हैं उसका हम लोग लिस्ट निकाल रहे हैं, उस पर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने पूर्व की घटनाओं की बात कही तो अभी जस्ट ये भीड़ में ही सुनने को मिला है। हम लोग इसका सत्यापन कर लें कि कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है और उन सभी में क्या कार्रवाई हुई, वो लेकर के ही मैं आगे जानकारी दे पाऊँगा। हम लोग दुकान पर बैठे हुए थे, तब तक ये ग्राहक आए, ग्राहक को सामान दिखा रहे थे। उसी दरमियान 2 मोटरसाइकिल पर संभवतः 4 से 5 लोग थे, एक तो हम गाड़ी पर देखे 2 या से 3 आदमी थे। और जैसे ही
हम बाहर वो लोग निकले उतरे मोटरसाइकिल से और पिस्टल निकाले, तब तक हम अपना अलमारी का फाटक जो है सटा के अंदर, मेरा घर इसी में है, हम घर में अंदर दौड़ते हुए अंदर भाग गए। करीब करीब ये मान के चलिए 50 से 60 लाख रुपया करीब हमारा माल जो है। कम 60 लाख। हाँ। और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता पर घर में घुसकर हमला, बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू मार दिया है। हमले में कांग्रेस नेता रीता सिंह जख्मी हुई, स्कूल ड्रेस पहनकर आए थे बदमाश। लहरिया सराय थाने की पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। लहरिया सराय के खरादपुर मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में रीता सिंह जख्मी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्कूल ड्रेस पहनकर बदमाश आए थे और इस पूरी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लहरिया सराय पुलिस तहकीकात में जुटी। बढ़ेंगे आगे, भागलपुर से बड़ी खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी है। गोली मारकर बड़े भाई की हत्या हुई। बड़े भाई नीरज कुमार की मौत की खबर है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के कुशवाहा टोला की घटना, दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, बड़े भाई नीरज कुमार की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, भाई और भाई में ही लड़ाई हुई जिसके बाद ये घटना घटी। जैसे मना मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में स्कूल के हेडमास्टर मजहर जीशान ने शर्मनाक करतूत कर दी है। हेडमास्टर ने पांचवी कक्षा के बच्चे के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। अचानक महिला रसोईया के पहुंचने के बाद हेडमास्टर वहां से भाग निकले। बच्चे ने परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी और आज नाराज ग्रामीणों ने बैठक बुलाई और शिक्षक को भी बुलाया, लेकिन आरोपी शिक्षक नहीं आए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। बच्ची आरोप लगा रही है कि हम मेरे साथ छेड़छाड़ किया गया, दुष्कर्म का प्रयास किया गया, शिक्षक द्वारा क्या जानकारी आपको? तो वही हम डायरेक्ट गए, भागे, हम नहीं देखे। और मास्टर जो है बच्चे के साथ गलत करे और बहुत सारा चीज़ है, इसके पहले भी बहुत सारा चीज़ हुआ, तो लोग उन पे किया गया कंप्रोमाइज़ किया। हमारा अभी वाला मामला में ये मामला उनके गार्जियन जो है अपना बोले कि इसका इंसाफ चाहिए, तो वो समाज के साथ लोग बैठे हैं और इस तरीके के दरिंदे को जो भी हो न्यायालय तक ये बात पहुँचे और इस चीज़ का सही फैसला आना चाहिए। सबसे पहला कदम होता है वो विश्वास में बेचता है कि यहाँ पर बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, लेकिन अगर गुरु ही हैवान बन जाए तो ये सब क्या हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा घिनौना कार्य, तो कोई माँ बाप भेजने से, बच्ची को भेजने से, शिक्षा से भेजने से सिर्फ कतराएगी, वो दूर हो जाएगी। और राजधानी पटना में लगातार रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। घटना राजधानी के वीरचंद पटेल पथ की है, जहां कार ने सड़क के बगल में खड़ी हुई गाड़ियों को और रिक्शा ने टक्कर मार दी और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया। हम लोगों को जो जानकारी मिली वो इसी हिसाब से आई है। यहाँ पर कुछ पहले से रिक्शा भी खड़ी थी, तो उसमें धक्का लगने के बाद रिक्शा में गाड़ी टकरा गई है, जिसके कारण से रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस क्रम में 4-5 लोग को चोटें आई है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है। हॉस्पिटल भेजने के बाद उन पर जो भी इंजरी होगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो गाड़ी है, ट्रैफिक वाले भी आए हैं गाड़ी को ट्रैफिक के लिए। चालक की स्थिति क्या है? हम लोगों ने चालक को भी ये डिटेन किया है, उनको देखते हैं। चालक उसका है डिटेन, चालक को डिटेन किया है। उनके किस कारण से लापरवाही ये हुई है घटना, हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ को निश्चित रूप से लापरवाही हुई जिस कारण से घटना घटी है। पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह ने जिला स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। गिरिराज ने भागलपुर में मंदिर में प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की साजिश है, राहुल गांधी और आरजेडी
देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव पर भी निशाना साधा है। कलपुर के शनौला में घटना घटी है, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था, विक्षिप्त नहीं था। ये आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए और फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो भाग करके ननिहाल चले जाएंगे इटली। हम और आप कहां जाएंगे? हमें तो मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मरने के पहले हम अपने आप को एकत्रित कर लें। एक नेता ने कहा है कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हमने कहा एक तो लाश अपना गिरा रहे थे, अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। पीएम मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने नए सिविल एनक्लेव का वर्चुअल शिलान्यास किया। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर टर्मिनल भवन का निर्माण होगा और 912 करोड़ की लागत से 54 एकड़ में भवन का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान पटना से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। अस्थायी सिविल एनक्लेव बन जाने से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं और वृद्धि होगी, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इससे दरभंगा से पूरे मिथिला का विकास होगा। टर्मिनल भवन को एक साल में करीब 43 लाख यात्रियों के आवागमन के मद्देनजर डिजाइन किया जाएगा। 14 यात्री विमानों की पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव के शिलान्यास पर पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का विकास गेम चेंजर साबित होगा। पीएम मोदी को मिथिलांचल वासियों की ओर से आभार। उड़ान योजना ने हवाई सफर को और सुगम बना दिया है। नए क्षेत्रों में तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इधर पटना में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 26 अक्टूबर से रणजी मैच होना है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने स्टेडियम की जर्जर हालत को दिखाकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर का असर भी दिख रहा है। बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि ये 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, नवम्बर में उसका शिलान्यास होगा। रणजी मुकाबले के दौरान कोई घटना न घटे इसके लिए दर्शकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। रणजी मुकाबला देखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। मैनुल हक स्टेडियम पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है। बिहार सरकार ने मैनुल हक स्टेडियम को बीसीए को दे दिया है और बीसीए उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच कराना स्टेडियम बनाने जा रहा है। तो पुनर्निर्माण के दौर से के दरमियान कुछ असुविधाएं हैं। इन असुविधाओं के चलते हम लोगों ने जनता से मांग किया है, दर्शकों से मांग किया है कि अभी भीड़ भाड़ यहाँ नहीं आए। 1-2 साल में हमारा स्टेडियम बन जाएगा। जैसे हम सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाने में थोड़े दिन के लिए असुविधा होती है, वैसे ही स्टेडियम निर्माण के दरमियान असुविधा है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।